उखाड़ फेंकेंगे लालू जी, जितना बोलते हैं उखाड़ फेंकेंगे उतना ही एनडीए बढ़ते जा रहा है। सर रामगढ़ से और बाकी जगह भी हम गए ही हैं, सभी जगह बल्ले बल्ले है एकदम एनडीए के पक्ष में। चारों सीट एनडीए भारी मतों के अंतर से जीतेगा। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। चार सीटों के उपचुनाव के चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही अब बयानों के बाजार भी गर्म हो गए हैं। चुनाव प्रचार से पटना लौट रहे या फिर चुनाव प्रचार करने लगातार जा रहे नेताओं ने अपने अनुभव साझा करना शुरू कर दिया है। तो उसी में आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा भी जब चुनाव प्रचार से लौटे हैं, इससे पहले आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में यात्रा कर रहे थे और खास करके जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं और जिन क्षेत्रों में 13 तारीख को वोटिंग होगी उपचुनाव की, उन सभी क्षेत्रों में वो पहले से ही भ्रमण करते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं और उनकी यात्राएं चलती रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अगर लोगों के साथ समय बिताया है तो उपेंद्र कुशवाहा ने बिताया है। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव में भी लगातार विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे हैं और जब चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद वो पटना लौटे तो उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है। जब उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी टूटी तो बहुत सारी बातें खुल करके सामने आई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि एनडीए का आखिर होगा क्या, एनडीए के भीतर क्या सब कुछ ठीक ठाक है, क्या सामंजस्य चल रहा है, क्यों चुनाव प्रचार में अलग अलग लोग जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन एकजुट क्यों नहीं नज़र आ रहा है, क्या एनडीए गठबंधन इन चार सीटों में से अपनी जो एक जीती हुई सीट थी वो वापस ले आएगा या फिर चारों सीट पर दावेदारी कर रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। इन सभी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा खुल करके जवाब दिया। साथ ही उन्होंने एनडीए का इस चुनाव के बाद क्या होगा उस पर भी अपनी स्पष्ट राय दी। सुनिए क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने जब उनसे मीडिया ने सवाल किया, खास करके उस सवाल पर कि क्या होने वाला है इस सरकार का, क्या भारतीय जनता पार्टी उनके जो सहयोगी दल हैं उन लोगों के विधायकों सांसदों को खरीद फरोख्त करती है। इन सारी बातों को लेकर के और आने वाले भविष्य, जो राजनीतिक भविष्य है एनडीए का, उस पर भी उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी। चुनाव प्रचार के बाद क्या होगा ये कयास और इस पर चर्चा सभी कर रहे हैं, लेकिन अंततः उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुनिए क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी जब बात उन्होंने मीडिया के सामने रखी। अरे अब क्या उखाड़ फेंकेंगे लालू जी, जितना बोलते हैं उखाड़ फेंकेंगे उतना ही एनडीए बढ़ते जा रहा है। सर ये मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिको खरीदते हैं बकरी की तरह खरीदते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दावत। अरे अभी विधायक खरीदने आज बेचने का कहाँ मामला है भैया, अभी तो चुनाव हो रहा है, अब अभी वोटिंग होना बाकी है, अभी इसमें खरीद बिक्री का कहाँ मामला है। देखिए हम तो आए हैं कल रामगढ़ से और बाकी जगह भी हम गए ही हैं, सभी जगह बल्ले बल्ले है एकदम एनडीए के पक्ष में। चारों सीट एनडीए भारी मतों के अंतर से जीतेगा, बिल्कुल उसमें कहीं कोई शंका है ही नहीं। तेजस्वी यादव कल दावा कर रहे हैं कि झारखंड में जो सरकार बनाएंगे चारों सीट यहाँ जीते थे और जीतेंगे ही, क्योंकि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। भैया अब इसी से आप अर्थ लगा सकते हैं कि लालू जी को ले जाना पड़ा एक चुनाव क्षेत्र में, कितनी परेशानी में आरजेडी है इसको आप महसूस कर सकते हैं, वरना यह कोई आम चुनाव नहीं था, उपचुनाव है महज चार जगह, उसके लिए लालू जी बीमार हैं इस हालत में और 3 मिनट 4 मिनट उन्होंने भाषण दिया, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में भी उनको वहां ले जाना आरजेडी की परेशानी इसी से पता चलता है। तेजस्वी यादव ने कल ये कहा कि नीतीश कुमार मुँह से महात्मा गांधी बोलते हैं, दिल में घोंसले रखते हैं और बिहार में आरएसएस भी। देखिए कोई सर्टिफिकेट नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव जी से लेने की ज़रूरत नहीं है, नीतीश कुमार जी सर से लेकर पांव तक सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं, इसलिए कोई इस तरह का आरोप उनके ऊपर कोई भी लगा रहा है तो समझिए कि वो एक तरह से अपने आप को दिवालिया है, सीधे हर तरह से इस बात को साबित कर रहा है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816700। धन्यवाद।